नमस्ते, शक्ति योगा विद शैली में आप सभी का स्वागत है। डे 14 प्रैक्टिस की शुरुआत स्टैंडिंग पोजीशन के साथ। समस्थिति में फोकस अपनी ब्रेथ पर और पॉजिटिव एफर्मेशन आज का, आई एम डूइंग माई बेस्ट। आप जो भी करें दिन भर में अपने आप को जरूर याद दिलाते रहें, आई एम डूइंग माई बेस्ट। और अब पैरों को कुछ इंच दूर करके हम लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट साइड अपर बॉडी को हम टर्न कर रहे हैं। जेंटल वार्म अप। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑल राइट, हम सीधे खड़े रहेंगे और यहां से बाजुओं को आगे स्ट्रेच करके, या बेंड योर नीज। 1, 2, 3, 4, 5। आप कमर पे भी अपने हाथ रख सकते हैं। ओके, 10 बार ऐसे किया। अब अगर कर पाए तो फुल सेटअप्स, 2, 3, 4, वरना जो हाफ बेंट नीज थी वो कर सकते हैं। जो जितना कर पाए, करना जरूरी है, कोई कंपटीशन नहीं है, बस अपने आप को एक्टिव रखना है, इंपॉर्टेंट वो बात है। ओके, अब यहां से अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। आपकी लेग्स स्ट्रेच्ड आउट हैं, सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर गए, सांस छोड़ते हुए फोल्ड फॉरवर्ड जितना नीचे आप आ पाए। और यहां अपनी गर्दन को एकदम रिलैक्स्ड छोड़ दें, एज इफ जो भी वेट आपके कंधों पे और स्टिफनेस आपकी गर्दन पे है, जैसे इट्स फॉलिंग ऑफ योर शोल्डर्स। नाइस, inhale, come halfway up, inhale all the way up, exhale, relax। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। तो राइट टो को पॉइंट आउट किया और हमने राइट आर्म नीचे लेकर गए, लेफ्ट आर्म ऊपर है। त्रिकोण आसन डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाई है, कैसे किया जाता है वो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। 10 सेकंड तक हम राइट साइड में त्रिकोण आसन को होल्ड करेंगे, फिर हम लेफ्ट आर्म को नीचे लेकर आए और अब हम हाई लंज की तैयारी कर रहे हैं। देयर, इनहेल, आर्म्स अप, पाम्स टुगेदर, अगर एक साथ नहीं ला पा रहे हैं तो अलग भी रख सकते हैं। कमिंग डाउन, यहां से प्लैंक पोज में गए, प्लैंक पोज से फिर नीज नीचे आएंगी पहले, उसके बाद चेस्ट एंड चिन, सांस भरते हुए हम भुजंगासन में आएंगे, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से यस, एक बार फिर हम अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे, लेग्स स्प्रेड वाइड। और अब ये सारे स्ट्रेचेस हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। इनहेल आर्म्स अप, एक्सहेल रिलैक्स। नाउ पॉइंट योर लेफ्ट टोज आउट, आर्म्स को स्ट्रेच आउट किया, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म अप और राइट आर्म इस वक्त ऊपर की तरफ स्ट्रेच्ड है और आप ऊपर देख रहे हैं। 10 सेकंड्स के लिए कम से कम हम त्रिकोण आसन को होल्ड करेंगे, फिर राइट आर्म को नीचे लेकर आए और हाई लंज के लिए तैयार,
सांस भरते हुए आर्म्स ऊपर, पाम्स टुगेदर, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस मैट पर, प्लैंक पोजिशन। कम से कम 5 सेकेंड्स हम प्लैंक को होल्ड कर रहे हैं। प्लैंक से अष्टांग नमस्कार, सांस भरते हुए कोबरा पोज, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। नीज को बेंट किया और अब हम प्लैंक पोज में आए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से अब हम ये कर रहे हैं, नीज को बेंट किया एंड प्लैंक पोज। कम ऑन, वन मोर, बेंड योर नीज, प्लैंक पोज एंड नाउ रिलैक्स। बालासन में आ जाएं और कुछ देर हम रिलैक्स करेंगे। एंड व्हाइल यू आर हियर, एक बार फिर अपने आप को रिमाइंड कराएं, आई एम डूइंग माय बेस्ट। यहां से वज्रासन में आ गए हैं, अब हम करेंगे मंडूक आसन। हमने लेफ्ट हाथ को रखा नाभि बेली बटन के ऊपर, लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ, सांस छोड़ते हुए पेट जितना अंदर लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं और फिर इस तरह से नीचे झुक जाएं, कमर सीधी रहेगी। आपके हाथ पेट को प्रेस कर रहे हैं, पेट अंदर की तरफ है, फिर सांस भरते हुए आप ऊपर आएंगे, रिलैक्स। सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए मंडूक आसन बेहतरीन आसन है। एक बार फिर लेफ्ट हाथ नाभि पर, उसके ऊपर राइट हाथ, सांस छोड़कर पेट जितना अंदर दबा सकते हैं करें और फिर नीचे आ जाएं। फिर सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। आज की प्रैक्टिस को हम रैप अप करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ, स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन हम करते हैं। अगर आप लगातार 30 से 40 कपालभाति ब्रीदिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करें, लेकिन अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है। हमने 5 से 10 करे, एक छोटा सा पॉज लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग करी और फिर हमने अनदर राउंड ऑफ 10 कपालभाति ब्रीदिंग कर ली। इस तरह से करते हुए आप 30, 40, यहाँ तक कि 50 भी कर सकते हैं। बस अपनी बॉडी को सुनना है, समझना है, एक्टिव रहना है। इस तरह से अनुलोम विलोम टेक्निक को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल हमारे आसपास बनता है। इसीलिए अपनी फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने साथ अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।